हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है क्विक एक्शन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्विक एक्शन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे ऑप्शन को आपको टैप करना है। अब आपको जो है ना अगले पेज में ऑप्शन मिलेगा ये क्विक एक्शन का, क्विक एक्शन के ऑप्शन पे आपको इसे टैप करना है। अब क्विक एक्शन का पेज आ जाएगा ना, इसमें आपको क्विक एक्शन का ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी, यानी कि इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं ना, तो आपको नीचे की साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड कैमरा, फेसबुक और ओपन ऐप, ठीक है। इन सभी में से आपको जो ना कोई भी एक ऑप्शन पे आपको टिक मार्क लगाना है। जैसे मेरा पहले से रिकॉर्ड पे लगा हुआ है ना, आप इसे किसी भी ऑप्शन पे आप एक ऑप्शन पे टिक मार्क लगा सकते हैं। जैसे कि मैं फ्लैश लाइट पे लगाऊंगा तो फ्लैश लाइट पे टिक मार्क लगेगा। आप ना सिर्फ एक बार में एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ओपन ऐप के ऑप्शन पे अगर आप टैप करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन के सारे एप्लीकेशन यहां पे शो हो जाते हैं इस पेज में, ठीक है। आप चाहे तो यहां से अपने किसी भी एक ऐप को आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर जो है ना एल्बम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ओपन ऐप के नीचे एल्बम लिखा हुआ आ गया और सामने की तरफ ये टिक मार्क लग गया है, ठीक है। अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी ना इस तरीके से, ठीक है, ऑफ होगी, तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो वॉल्यूम बटन होता है जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, ये वाला बटन आपको दबा के रखना है इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो आपको स्क्रीन लॉक एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप फ़ोन अनलॉक होगा ना, तो देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का ना एल्बम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आप आवाज़ को कम करते हैं ना, ये वाला बटन आपको दबा के रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है ना ये फ्लैश लाइट या कोई सा भी ऑप्शन अगर आप दूसरा भी यूज इसे सेलेक्ट करेंगे ना, और यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन का अगर ये वॉल्यूम डाउन बटन इसे दबा के रखेंगे ना, तो देखिए मेरे मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है क्विक एक्शन सेटिंग इनेबल होने के बाद, ठीक है।